में बीजेपी कार्यकर्ताओं का केजरीवाल सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी प्रदर्शन में हुए शामिल। दिल्ली के मालवीय नगर में बीजेपी ने सीएम केजरीवाल के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज हुई शामिल। बंगलुरु दौरे पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव मानक और ब्रॉडगेज रोलिंग स्टॉक और वी निर्माण सुविधा के लिए नए हैंगर की आधारशिला रखी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बंगलुरु में BEML में वंदे स्लीपर कोच का निरीक्षण किया। बोले उम्मीद है कि 3 महीने में वंदे स्लीपर कोच का परिचालन शुरू होगा। बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने निजी कारणों के चलते पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दिया। राजीव रंजन प्रसाद होंगे पार्टी के नए प्रवक्ता। हरियाणा के चरखी दादरी में गौमांस खाने के शक में युवक की पीट पीट कर हत्या। घर से बुलाकर ले गए थे गौरक्षक। युवक की पीट पीट कर हत्या के मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार। 2 नाबालिगों को भेजा गया फरीदाबाद सुधार गृह। मुंबई से सटे थाने में गौमांस ले जाने का शक। बुजुर्ग की बेरहमी से इस दौरान पिटाई। गदपुरी के पास चलती ट्रेन में हुआ हमला। पुलिस के मुताबिक पहली सीट को लेकर हुआ था झगड़ा। पुलिस ने मामला दर्ज किया। धुले के रहने वाले 3 लोग हिरासत में लिए गए। उत्तराखंड के रुड़की में भी युवक की मौत पर हंगामा जारी। परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। 25 अगस्त को तालाब में डूबने से हुई थी मौत। पुलिस के मुताबिक गौ तस्करी में शामिल था वसीम। गौमांस ले जाने के आरोप में पकड़ने की कोशिश के दौरान बचने के लिए तालाब में कूदने से हुई मौत। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी। अब तक पकड़े गए 4 भेड़िए। 2 और भेड़ियों की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक। अब तक 4 लोगों को बना चुका है बाघ अपना शिकार। बाघ को पकड़ने में विभाग की टीम जुटी। कैमरे में कैद हुआ लखीमपुर खीरी में किसान की जान लेने वाला बाघ। जंगलों में घूमता दिखा आदमखोर। बक्सर में घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। 7 लोग गिरफ्तार। कई अर्धनिर्मित पिस्टल बरामद। तमिलनाडु के सेलम नक्कलम नेशनल हाईवे पर ट्रक से टकरा ऑटो। हादसे में 1 की मौत 6 घायल। भारी बारिश के चलते गुजरात के वडोदरा में रिहायशी इलाकों में घुसे मगरमच्छ। 27 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक 24 मगरमच्छों को किया गया रेस्क्यू। तेलंगाना के महबूबाबाद और केसमुद्रम रेलवे ट्रैक बारिश के चलते जलमग्न। ट्रैक पर पानी चलने की वजह से विजयवाड़ा से वारंगल और दिल्ली जाने वाली सभी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी। केरल के पथाना मथिट्टा में मूसलाधार बारिश। तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग ने पहले से ही जारी कर रखा था बारिश का अलर्ट।